मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने चना उपार्जन की तारीख 30 जून तक बढ़ाने के साथ ही एक दिन में चना खरीदने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। कमल पटेल ने कहा कि किसान अब अपना चना एक साथ बेचने के लिए ला सकते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने चना खरीदी को लेकर कहा कि प्रदेश में किसानों से चने का एक एक दाना खरीदा जाएगा। चना उपार्जन की तारीख को 30 जून तक बढ़ाने की बात कही है। एक किसान से एक दिन में 25 क्विंटल तक ही चना खरीदने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। कमल पटेल ने बताया कि किसानों ने पंजीयन कराया है, वे अपना पूरा चना एक साथ बेचने के लिए ला सकते हैं। प्रदेश में 30 जून तक चना खरीद 4,875 रुपए मूल्य के समर्थन मूल्य पर जारी रहेगी। पटेल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित है। नमस्कार किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार आपकी अपनी सरकार है, किसानों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है। हमने निर्णय लिया है कि किसानों का चना जितना आपने पंजीयन कराया है हम वो पूरा खरीदे। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने भी कहा है कि किसानों का एक एक दाना हम खरीदेंगे और इसलिए 30 जून तक चने की खरीदी मध्य प्रदेश में सभी जिलों के अंदर होगी, पोर्टल चालू रहेगा। अगर आपको SMS आया है और आप किसी कारणवश चना खरीदी केंद्र पर नहीं जा पाए हैं तो हमने निर्देश दे दिए हैं, अभी पुनः SMS आएंगे और आपका चना 4,875 रुपए क्विंटल में समर्थन मूल्य जो भारत सरकार ने किया है उसके अनुसार खरीदा जाएगा। और आपने जितना पंजीयन कराया है आप एक दिन में पूरा चना ले जाकर खरीदी होगी, क्योंकि पहले 25 क्विंटल प्रतिदिन एक किसान से खरीदते थे चना, सरसों, मसूर, उसको हमने भारत सरकार से अनलिमिटेड करा दिया। यानी जितना आपका पंजीयन है, अगर 200 क्विंटल का पंजीयन है तो आप एक दिन में 200 क्विंटल ले जा सकते हैं, अगर 400 क्विंटल का पंजीयन है तो 400 क्विंटल ले जा सकते हैं, 100 क्विंटल का है तो 100 क्विंटल ले जा सकते हैं। एक दिन में ही जिस प्रकार गेहूं की खरीदी की गई थी उसी प्रकार चने की, सरसों की और मसूर की खरीदी की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।